अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको घर में मास्क तैयार करने की रेसिपी सिखाएंगे। ये हर्बल मास्क आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, आपके चेहरे को ग्लो देगा, आपकी स्किन को डे बाय डे नरिश करेगा। मास्क बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए 50 ग्राम्स मुल्तानी मिट्टी, 50 ग्राम्स हुस्न यूसुफ, 25 ग्राम्स हल्दी यानी आंबा हल्दी आपने इस्तेमाल करनी है। ये हल्दी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। आप अपने घर में मसाला जात में इस्तेमाल करने वाली हल्दी नहीं लीजिएगा। इन तीनों चीजों को आपने मिक्स करके एक जार में रख लेना है। जब आपने अपने चेहरे पर मास्क अप्लाई करना हो, आपने 2 टेबल स्पून इसमें से पाउडर लेना है। आप चाहें तो इसको कच्चे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे रोज वाटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तमाम चीजों में से कुछ नहीं है तो आप इसको सादे पानी में भी मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। चंद जरूरी हिदायत। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस मास्क को रोज वाटर के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप इसको दूध और रोज वाटर दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप इस मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें चंद कतरे आलमंड ऑयल के ऐड कर लें। लेकिन याद रहे कि जब आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो आपके पास कोई दूसरा शख्स ना हो, आपने मुस्कुराना हरगिज नहीं है। जब ये आपके चेहरे पर अच्छी तरह से कहीं से खुश्क हो रहा और कहीं से हल्का सा गीला हो तब आप इसको धो लीजिए। धोने के बाद आप चेहरे पर फौरन कोई सोप नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 से 3 मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई मास्क अप्लाई करें उससे पहले उसका एक टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के लिए हमेशा कान के पीछे मास्क को हल्का सा अप्लाई करके देखें, या फिर आप अपनी कोहनी से ऊपर वाली स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर इसका असर नहीं हो तो आप फिर इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। इन हिदायत को इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार नई ब्यूटी टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।